गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? लीवर। आज अपन किसके बारे में डिस्कस करेंगे? लीवर के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार अपन प्रीवियस लेक्चर को समराइज कर लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था? ब्लड सप्लाई ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनल कैनाल एंड पैनक्रियाज। तो एक बार अपन क्या है, इस लेक्चर को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो अपन ब्लड सप्लाई की बात करते हैं, तो आर्टेरियल जो सप्लाई है वो कौन करता है? द आर्टेरियल सप्लाई इज मेनली बाय द सुपीरियर एंड इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। जो अपनी सुपीरियर और इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी है वो क्या करती है? आर्टेरियल ब्लड सप्लाई करती है। द सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी सप्लाई द सिक्किम असेंडिंग एंड मोस्ट ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन। जो अपनी सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी है वो किसको ब्लड सप्लाई करती है? सिक्किम और असेंडिंग पार्ट जो है, और जो मोस्ट ऑफ पार्ट किसका? ट्रांसवर्स कोलन। इनको क्या है? तीन को सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी जो है वो क्या करती है? ब्लड सप्लाई करती है। नेक्स्ट है अपना द इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी किस किस को करती है? तो जो अपनी इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी है वो किसको करती है? कोलन, प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द रेक्टम। इनको क्या करती है? अपनी जो इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी है वो ब्लड सप्लाई करती है। नेक्स्ट है द डिस्टल सेक्शन ऑफ द रेक्टम एंड द एनस आर सप्लाइड बाय द ब्रांचेस फ्रॉम द इंटरनल इलियक आर्टरी। जो डिस्टल सेक्शन है किसका? रेक्टम का। और जो एनस को कौन ब्लड सप्लाई करता है? इंटरनल इलियक आर्टरी जो है वो क्या करती है? इनको ब्लड सप्लाई करती है। वीनस ड्रेनेज कौन करता है? इज मेनली बाय द सुपीरियर एंड इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन व्हिच ड्रेन ब्लड फ्रॉम द पार्ट सप्लाइड बाय द आर्टरी ऑफ द सेम नेम। यानी कि जिन आर्टरियों ने ब्लड सप्लाई की थी वही क्या करेंगी? वीनस ड्रेनेज करेंगी। दीज वेन जॉइन द स्प्लेनिक एंड गैस्ट्रिक वेन फ्रॉम द पोर्टल वेन। ये क्या है? पोर्टल वेन जो ये स्प्लेनिक और गैस्ट्रिक वेन है, ये क्या है? पोर्टल वेन के द्वारा कनेक्ट होती है। वीनस ड्रेनेजिंग द डिस्टल पार्ट ऑफ द रेक्टम एंड एनस जॉइन द इंटरनल इलियक वेन। और जो अपना वीनस ड्रेनेज किसका? डिस्टल पार्ट और रेक्टम का, वो किससे कनेक्ट होता है? इंटरनल इलियक वेन से क्या है? कनेक्ट होता है। देन आफ्टर अपने है फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम एंड एनल कैनाल। एब्जॉर्प्शन, माइक्रोबियल एक्टिविटी, मास मोमेंट, डीकैल्सिफिकेशन, कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फीकस, ये क्या है? इसके फंक्शन है। अब जो ऑप्शन हो गया, माइक्रोबियल एक्टिविटी हो गई, मास मूवमेंट हो गया, डिफिकेशन हो गया और कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फीकस हो गया, ये क्या है? इसके फंक्शन है। देन आफ्टर क्या है अपनी? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या है? एक पैल ग्रे कलर की क्या है? ग्लैंड है, जिसका वेट कितना होता है? लगभग 60 ग्राम इसका क्या है? वेट होता है। लेंथ की अगर अपन बात करें तो ये कितनी लंबी होती है? 12 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और कहाँ पे सिचुएटेड होती है? सिचुएटेड इन द एपिगैस्ट्रिक एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। जो अपनी एब्डोमिनल कैविटी है उसका जो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है वहां पे क्या है ये सिचुएटेड होती है। इट कंसिस्ट ऑफ ए ब्रॉड हैंड ए बॉडी एंड ए नैरो टेल। क्या है? तीन भागों के अंदर क्या है? डिवाइडेड होती है, सब पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले क्या है? हेड होता है, देन आफ्टर क्या है? बॉडी होती है और फिर क्या है? टेल होती है। द हेड लाइज इन द कर्व ऑफ द ड्यूडिनम। जो हेड है वो कहाँ पे सिचुएटेड होता है? लाइज इन द कर्व ऑफ द ड्यूडिनम। द बॉडी बिहाइंड द स्टमक एंड द टेल लाइज इन फ्रंट ऑफ द लेफ्ट किडनी एंड जस्ट रीच द स्प्लीन। द एब्डोमिनल आयटा एंड द इंफीरियर वेना केवा लाइज बिहाइंड द ग्लैंड। जो अपना एब्डोमिनल आयटा है और जो इंफीरियर वेना केवा क्या है? लाइज बिहाइंड द ग्लैंड। पैनक्रियाज इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। जो अपने पैनक्रियाज है वो क्या है? एक्सोक्राइन भी होती है और एंडोक्राइन भी होती है।
एंडोक्राइन का मतलब क्या है, जो हॉर्मोन सिक्रेशन होते हैं, और एक्सोक्राइन का मीन्स क्या है, इसके अंदर क्या है, एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है। एक्सोक्राइन पैनक्रियाज का मीन्स क्या है कि जो एक्सोक्राइन पैनक्रियाज है वो क्या करेगी, एंजाइम्स का सिक्रेशन होगा यहाँ पे। दिस कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ लोब्यूल्स मेड अप ए स्मॉल एल्वियोली। ये क्या है, लार्ज नंबर ऑफ लोब्यूल्स से मिलती हैं और क्या इसके अंदर स्मॉल एल्वियोली होती हैं। द वॉल ऑफ द कंसिस्ट ऑफ सेक्रेटरी सेल्स, द वॉल्स हैं वो क्या है, जो सेक्रेटरी सेल्स हैं उनसे क्या है बनी हुई होती हैं। ईच लोब्यूल्स इज ड्रेन बाई टिनी डक्ट, ईच लोब्यूल्स जो क्या है वो छोटी छोटी डक्ट के द्वारा क्या है ड्रेन करता है। एंड दीज अंटिल इवेंचुअली द फॉर्म ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट विच एक्सटेंड द होल लेंथ ऑफ द ग्लैंड एंड ओपन इन टू द ड्यूडिनम। और ये सारी की सारी कहाँ पे ओपन होती है, अपनी ड्यूडिनम के अंदर आके ओपन होती है। जस्ट बिफोर एंटरिंग द ड्यूडिनम द पैनक्रियाटिक डक्ट जॉइन द कॉमन बाइल डक्ट फ्रॉम द हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला। द ड्यूडिनम ओपनिंग ऑफ द एम्पुला इज कंट्रोल्ड बाय ए हेपेटोपैनक्रियाटिक स्फिंक्टर। जो अपनी ड्यूडिनम ओपनिंग है वो किससे कंट्रोल होती है, हेपेटोपैनक्रियाटिक स्फिंक्टर के द्वारा क्या है कंट्रोल होती है। द फंक्शन ऑफ द एक्सोक्राइन पैनक्रियाज इज प्रोड्यूस पैनक्रियाटिक जूस कंटेनिंग एंजाइम दैट डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट। ये क्या करती है, फंक्शन क्या है इसके एक्सोक्राइन पैनक्रियाज के, प्रोड्यूस करती है इसको पैनक्रियाटिक जूस को, जिसमें क्या होते हैं एंजाइम्स भी होते हैं, और ये क्या करते हैं डाइजेस्ट करते हैं किसको, कार्बोहाइड्रेट को, फैट को और प्रोटीन को। देन अपने आफ्टर अपना है एंडोक्राइन पैनक्रियाज। एंडोक्राइन पैनक्रियाज का मीन्स क्या है कि इसके अंदर क्या है अपने हॉर्मोन्स है वो सिक्रेशन होंगे, और हॉर्मोन सिक्रेट होने के बाद किस में जाते हैं, अपने सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर वो जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूट थ्रू द ग्लैंड आर ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड पैनक्रियाटिक आइसलेट। द आइसलेट है नो डक्ट सो हॉर्मोन डिफ्यूजन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। इनके अंदर क्या है डक्ट प्रेजेंट नहीं होती, एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर क्या है डक्ट प्रेजेंट होती है और एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर क्या है डक्ट प्रेजेंट नहीं होती। तो डक्ट प्रेजेंट नहीं होती इसलिए क्या होगा, जो भी सिक्रेशन होगा हॉर्मोन्स का वो डायरेक्टली किसके अंदर डिफ्यूज होगा, अपने जो ब्लड है अपना जो सर्कुलेशन है उसके अंदर क्या है डायरेक्टली डिफ्यूज होगा। द फंक्शन ऑफ द एंडोक्राइन पैनक्रियाज इज सीक्रेट द हॉर्मोन इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। जो फंक्शन है किसका, एंडोक्राइन पैनक्रियाज का, वो क्या है सिक्रेशन करते हैं किसका, हॉर्मोन्स का, और इंसुलिन है और ग्लूकागोन हॉर्मोन का सिक्रेशन करते हैं। विच आर प्रिंसिपली कंट्रोल विच कंट्रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। और ये जो दोनों के दोनों हॉर्मोन्स हैं ये क्या करते हैं, जो अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको क्या है कंट्रोल करते हैं। देन आफ्टर अपनी आती है ब्लड सप्लाई। तो जो अपनी स्प्लेनिक एंड मेजेंटिक आर्टरी है वो क्या करती है आर्टरियल ब्लड सप्लाई करती है किसको, पैनक्रियाज को। वीनस ड्रेनेज कौन करता है, स्प्लेनिक एंड मेजेंटिक वेन जो है वो क्या करती है वीनस ड्रेन करती है, और जो कहां पे कनेक्ट होती है जाके पोर्टल वेन पे कनेक्ट होती है। नर्व सप्लाई की बात करें तो नर्व सप्लाई कौन करता है, एज इन द एलिमेंट्री ट्रैक द पैरासिम्पेथेटिक स्टिमुलेशन इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंड सिंपेथेटिक स्टिमुलेशन डिप्रेस इट। जो अपना पैरासिम्पेथेटिक स्टिमुलेशन है वो क्या है इंक्रीज करता है सिक्रेशन को, और जो अपना सिंपेथेटिक है वो क्या करता है डिक्रीज करता है किसको, स्टिमुलेशन को। जो आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है लीवर। लीवर क्या है, एक रेडिश ब्राउन कलर का क्या है ऑर्गन है, इसके अंदर क्या है दो लोब होते हैं। द लीवर इज ए लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। जो लीवर है वो क्या है अपनी लार्जेस्ट ग्लैंड होती है किसकी, बॉडी की। वेट जो है इसका लगभग कितना होता है 1.5 किलोग्राम जो है क्या है वेट होता है किसका, लीवर का। कहां पे सिचुएटेड होती है,
It is situated in the upper part of the abdominal cavity. The liver is an accessory digestive organ that produces bile. और ये क्या करती है? Bile का secretion करती है. तो लीवर क्या है? रेडिश ब्राउन कलर की स्ट्रक्चर होती है. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्या है इनके, इक्वल साइज के है. साइज के अंदर किसके क्या है? लोब्स होते हैं जिनका साइज और शेप क्या है? इक्वल नहीं होता है. जो लीवर है वो क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड होती है किसकी? बॉडी की. वेट इसका कितना होता है? 1.5 किलोग्राम होता है. सिचुएशन क्या है? कहाँ पे लोकेटेड होती है? अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी है, वहां पे क्या है प्रेजेंट होती है. द लीवर इज एन एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन और प्रोड्यूस बाय, और ये क्या है? एसेसरी ऑर्गन है किसका? अपना जो डाइजेस्टिव ऑर्गन से सिस्टम है उसका. और ये क्या करती है? प्रोडक्शन करते हैं किसका? बाइल का. जो अपना एंटीरियर व्यू है उसके अंदर क्या है, जो लीवर का दिखाया गया है इसके अंदर क्या है? राइट, और जो अपना लेफ्ट लोब है वो शो किया गया है. देन आफ्टर अपने हैं जो ऑर्गन एसोसिएटेड ऑफ द लीवर. लीवर के साथ में कौन से ऑर्गन है वो क्या है एसोसिएटेड रहते हैं. सबसे पहले क्या है? सुपीरियर एंड एंटीरियरली की बात करें तो डायफ्राम एंड द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल. एंटीरियरली वॉल, ये एब्डोमिन ये क्या है अपने सुपीरियरली और एंटीरियरली में क्या है सिचुएटेड रहते हैं. डायफ्राम एंड जो अपना एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है वो क्या है, जो अपना लीवर है उसके सुपीरियर एंड एंटीरियर भाग के अंदर क्या है सिचुएटेड रहते हैं. इंटीरियरली की बात करें तो स्टमक, बाइल डक्ट, ड्यूडिनम, हेपेटिक फ्लेक्चर, राइट किडनी और जो अपने एड्रेनल ग्लैंड है वो क्या है अपने लीवर के एंटीरियर भाग के अंदर प्रेजेंट होती है. पोस्टीरियर में इसोफेगस, इंफीरियर वेना केवा, आयोटा, गॉल ब्लैडर, वर्टिब्रल कॉलम और जो डायफ्राम है वो सिचुएटेड रहते हैं. लेटरली में क्या है? लोअर रिब्स एंड डायफ्राम क्या है प्रेजेंट होते हैं.
स्ट्रक्चर है इसके अंदर क्या है, कौन से जो सरफेस के अंदर कौन से जो ऑर्गन्स है वो शो किए गए हैं। द लीवर इज एनक्लोज इन ए थिन इलास्टिक कैप्सूल एंड इनकम्प्लीटली कवर्ड बाई ए लेयर ऑफ पेरिटोनियम। द फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम फॉर्म सपोर्टिंग लिगामेंट अटैचिंग द लीवर टू द इंफीरियर सरफेस ऑफ द डायफ्राम। द फोल्ड है पेरिटोनियम सपोर्टिंग करते हैं इसको, लिगामेंट को अटैचिंग द लीवर, लीवर से अटैचमेंट रहते हैं टू द इंफीरियर सरफेस ऑफ द डायफ्राम। इट इज हेल्ड इन पोजिशन पार्शली बाय द लिगामेंट एंड पार्शली बाय द प्रेशर ऑफ ऑर्गन इन द अबडोमिनल कैविटी। जो लीवर है उसके क्या है, फोर लोब होते हैं अपने। द टू मोस्ट ऑब्लिक आर लार्ज राइट एंड द स्मॉलर विथ शेप लेफ्ट लोब। यानी कि जो राइट लोब है वो क्या है, लार्ज होता है, और जो लेफ्ट है वो क्या है, छोटा होता है। The other two, the cartilage and quadrate lobes are area on the posterior surface.
The portal fissure. This is the name given to the region on the posterior surface of the liver where various structure enter and live in the glands. यहाँ पे क्या है, बहुत सारे structure हैं, वो क्या है enter होती हैं, उसको अपन ने क्या कहा है portal fissures कहते हैं. The portal vein enter carrying blood from the stomach, spleen, pancreas and the small and large intestine. पोर्टल वेन क्या एंटर होती है, कैरी करती है किसको ब्लड, कहाँ से, स्टमक, स्प्लीन, स्प्लीन, पैनक्रियाज और स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन से. The hepatic artery enter carrying arterial blood supply. Hepatic artery क्या करती है, enter करती है और arterial blood को क्या है, carry करती है. It is a branch from celiac artery which is a branch from the abdominal aorta. ये क्या है, celiac artery की branch है, ठीक है, और ये sub branch किसकी है, abdominal aorta की. नर्व फाइबर सिंपेथेटिक एंड पैरासिंपेथेटिक एंटर है. नर्व जो है वो ऑटोनॉमिक टाइप से होता है, सिंपेथेटिक और पैरासिंपेथेटिक. द राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट लीव कैरिंग बाइल फ्रॉम द लीवर टू द गॉल ब्लैडर. लिम्फ वेसल्स लीव द लीवर, ड्रेन सम लिम्फ टू एब्डोमेन एंड सम ऑफ द थोरेसिक नोड. कुछ क्या है, एब्डोमिनल से लिम्फ वेसल्स वो लिम्फ लिम्फेटिक फ्लूइड ड्रेनेज करती हैं, कुछ थोरेसिक नोड से करती हैं. देन आफ्टर अपनी आती है ब्लड सप्लाई. ब्लड सप्लाई में क्या है, हेपेटिक आर्टरी एंड पोर्टल वेन टेक ब्लड टू द लीवर. हेपेटिक आर्टरी और जो पोर्टल, हेपेटिक आर्टरी क्या है ब्लड सप्लाई करती है और पोर्टल वेन क्या है ब्लड को रिसीव करती है. यानी कि आर्टरी सप्लाई कौन करता है, हेपेटिक आर्टरी करती है और जो अपनी वीनस ड्रेनेज है वो कौन करता है, पोर्टल वेन करती है. Hepatic vein varies in a number, leave the posterior surface and immediately enter the inferior vena cava just below the diaphragm. Function of the liver. Carbohydrate का metabolism करते हैं, fat का metabolism करते हैं, protein का metabolism करते हैं, breakdown of erythrocytes, erythrocytes का breakdown करते हैं, defense against microbes, जो अपने microorganism हैं उनके against work करते हैं, metabolism of ethanol, ethanol का क्या है मेटाबॉलिज्म करते हैं, इनएक्टिवेशन ऑफ हॉर्मोन्स और हॉर्मोन्स का इनएक्टिवेशन करते हैं.
विटामिन ए का सिंथेसिस करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ हीट का प्रोडक्शन होता है, सिक्रेशन होता है बाइल का, स्टोरेज होता है किसका, अपने सोल्यूबल विटामिन है ए डी ई के का स्टोरेज होता है, फैट सोल्यूबल जो है, आयरन कॉपर का स्टोरेज होता है, और जो अपना वाटर सोल्यूबल जो है उनके विटामिन का स्टोरेज होता है। देन आफ्टर अपना आता है कंपोजिशन ऑफ बाइल। बाइल के कंपोजिशन में क्या है, अबाउट 500 ml ऑफ बाइल आर सीक्रेट बाय द लीवर डेली। लीवर क्या है, पर डे 500 जो ml है वो क्या है, बाइल का सीक्रेशन करता है। बाइल बनती किससे है, वाटर से, मिनरल साल्ट से, म्यूकस से, बाइल पिगमेंट जो क्या है मेनली बिलरुबिन है, बाइल साल्ट विच आर डिलीवर्ड फ्रॉम द प्राइमरी बाइल एसिड ओलिक एसिड, इनसे क्या है बाइल बनता है, कोलेस्ट्रॉल इनसे क्या है बाइल बनता है। थैंक्स टू ऑल। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अपना क्या है, गॉल ब्लैडर। तो कल अपन डिस्कस करेंगे गॉल ब्लैडर पर।